जीवन की शुरुआत ही सुंदर संस्कारों के साथ हो तो हमारा जीवन उज्जवल क्यों नहीं बनेगा। ऐसा ही देखा गया कुंडलपुर की धरा पर, जहां ललितपुर स्थित बासी के एक दंपति ने अपने पुत्र के 8वें जन्मदिन के अवसर पर प्रथम जिनाभिषेक कराकर कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में इस दिन को सार्थक किया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से ललितपुर स्थित बासी के अनुराग और दीपिका ने अपने पुत्र अर्णव के 8वें जन्मदिन को कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में मनाया। इस अवसर पर प्रथम बार उन्होंने अपने बेटे से जिनाभिषेक एवं शांति धारा कराई। मेरे पुत्र अर्णव के प्रथम जिनाभिषेक की रूपरेखा मेरी पत्नी दीपिका ने प्लान की। करीब 5 या 6 साल पहले ये डिसाइड हो चुका था कि जब अर्णव 8 साल का होगा तो हम प्रथम जिनाभिषेक कुंडलपुर में श्री बड़े बाबा जी के चरणों में ही शुभारंभ करके करेंगे। तो 17th को अर्णव का बर्थडे था और 17th को हमने उसका प्रथम जिनाभिषेक शांति धारा वगैरह सब बड़े बाबा जी के चरणों में की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद और सुधा सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से हमने जितना अच्छे तरीके से प्रोग्राम हो सकता था, जितना भव्य तरीके से हम कर सकते थे, हमने कोशिश की। संध्या में श्री भक्तामर दीप अर्चना विधान एवं संगीतमय आरती मंगल दीपकों पर भक्ति में झूमते हुए सभी को भक्ति करने का अवसर मिला। ऐसा कर उन्होंने एक अच्छा संदेश समाज को दिया है। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।